Hello everyone, this is Pooja and you are most welcome in your YouTube channel. So guys, आज हम करने वाले हैं exercise 2.2, ठीक है? Class 6 का मैथ चला हुआ है, exercise 2.2 करते हैं, question number 1. देखिए, question number 1 में क्या कहता है? Find the sum by using, by suitable rearrangement. आपको sum करना है, sum तो सभी को आता है, addition करना सबको आता है, ठीक है? इसमें कोई problem नहीं है, I know. फाइंड द सम बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट, लेकिन आपको सम किस तरीके से करना है? सूटेबल रीअरेंजमेंट मीन्स कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए आपको सम करना है. इसमें हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज में हमें सम इस तरीके से करना है कि मैक्सिमम जितने पॉसिबल हो सके आपको लास्ट डिजिट में जीरो लेके आना है. जीरो क्यों लेके आना है? ताकि हम जब भी मान लो 1000 है, 208 है, समथिंग लास्ट में टू डिजिट हो, वन डिजिट हो, जीरो, कितना भी डिजिट हो, जीरो में किसी भी नंबर को ऐड करना इजी होता है, ठीक है? सो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम लास्ट डिजिट क्या लेके आए, जीरो लेके आए, ठीक है? तो इसी तरीके से हमें करना है क्वेश्चन नंबर 1. किस तरह से, देखिए, पहला डिजिट दिया गया है, थ्री डिजिट का है, नंबर 837 प्लस 208 प्लस 363. आपको पता है हम इजीली कर सकते हैं, डिजिट के नीचे डिजिट लिखे वैसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आंसर वही आएगा. बट हमें क्या करना है, इनमें एज वेल पॉसिबल क्या करना है कि लास्ट डिजिट को हमें क्या लेके आना है, जीरो लेके आना है. अब आपको लास्ट लास्ट डिजिट जो भी दिख रही है, किन टू नंबर्स को ऐड करके लास्ट में जीरो आए, उन दो नंबर को साथ में लिखना है, उसके बाद थर्ड नंबर को उसमें ऐड कर देना है, ठीक है? देखिए, जैसे फर्स्ट नंबर 837 है, 208 है, अगर मैं 8 और 7 को ऐड करती हूँ, 8, 7, 15 होते हैं, लास्ट डिजिट आती है 5. 8 and 3 को ऐड करते हैं 11, लास्ट डिजिट आती है 1, ठीक है? फर्स्ट थर्ड को करते हैं, 7 and 3 को हम करते हैं, लास्ट डिजिट आती है 0. 7 और 3, 10 होते हैं, तो लास्ट डिजिट आती है 0. अब हमें पता चल गया है कि किन किन नंबर को जोड़ने से लास्ट डिजिट 0 आती है, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर को जोड़ने से. अब हम कैसे करेंगे इसको, 837 इन दोनों नंबर को साथ में लिख लेंगे, 837 प्लस 363, ठीक है, और प्लस 208, ठीक है? इट मीन्स कि हम इन दोनों नंबर को पहले ऐड करना है, उसके बाद जो आंसर आता है उसमें 208 को ऐड करना है, ठीक है? अब इन नंबर्स को ऐड करेंगे, 3 और 7 0 कैरी 1, 7 और 3 0 कैरी 1, 4 और ये 8 12, ओके, देन 208. अब हमें पता है कि 1200 में या 1200 में अगर मैं 208 ऐड करती हूँ तो इजीली ऐड हो जाएगा, ठीक है? हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट अगर आपको करना आता है तो वेरी गुड, 8, 0, 4 and 1, 1408, ठीक है? तो ये है इन क्वेश्चंस को करने का एक इजी तरीका. इसमें बस यही है, आपको अगर आपको दिया गया है सूटेबल रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कि आपको कोई भी ऑपरेशन हो, प्लस माइनस या मल्टीप्लाई का, उसमें आपको पॉसिबल जितना हो सकता है आपको लास्ट डिजिट में जीरो ही लेके आना है, ठीक है? ताकि आपको कोई भी इक्वेशन करते हुए ऐड करो या मल्टीप्लाई करो उसमें इजीली हो जाए, ठीक है? वैसे तो करने को हम वैसे सभी नंबर्स को एक नीचे लिख के हम कर सकते हैं, सम तो वही आना है, बट इसको करने से क्या फ़ायदा हुआ कि लास्ट डिजिट जीरो आ गई तो हमें इनको ऐड करने में सुविधा होती है, ठीक है? अब हमारे पास यहाँ दिए गए 4 नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है? अब 2 2 नंबर्स को ऐड करके देखो, 2 5, सिर्फ 2 और 3 5 होते हैं, नहीं बनेगी बात. 3 और 8 11 होते हैं, नहीं. 8 और 7 15 होते हैं, नहीं. अब करते हैं फर्स्ट एक ही नंबर छोड़ के, 2 and 8 10, ठीक है. 3 and 7 10, लास्ट में जीरो आता है, ठीक है. हमारे पास पेयर बने क्या, फर्स्ट थर्ड सेकेंड एंड फोर्थ नंबर का, ठीक है? अब हम इन दोनों को लिख देंगे एक साथ में, किन किन को ऐड करना है, पहले फर्स्ट एंड थर्ड को, देन 453, 647 को, ठीक है? अब हम इसको ऐड करेंगे, 8 2, आप नंबर के नीचे नंबर लेके भी कर सकते हो और अगर इस तरह से कर सकते हो तो वेल एंड गुड. 8 2 0 कैरी 1, 3 1 4 और प्लस 6 10 कैरी नेक्स्ट नंबर में 1, 5 1 6 और 5 15 कैरी 1 2 और 1 3, 3500, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, 5 सॉरी 7 और 3 10
कैरी वन, फाइव फाइव टेन कैरी वन, सेवन और फोर इलेवन, इलेवन हंड्रेड। ठीक है, देखिए अब इन दोनों को ऐड किया, लास्ट में जीरो जीरो आई, इन दोनों को ऐड किया टू जीरो यहाँ आए। अब इन दोनों नंबर्स को देखना ऐड करते हैं तो कितना इजी होता है ना। तो हम कर देंगे इनको डायरेक्ट कर दें, टू डिजिट लास्ट में दोनों में जीरो है तो जीरो ही रहेगा। थर्ड थर्ड वन और फाइव सिक्स, लास्ट लास्ट वन और फोर फोर्टी सिक्स हंड्रेड। ठीक है, तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर वन एक्सरसाइज 2.2। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, प्लीज़ कमेंट कीजिए। सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।